नहीं, बहन जी ने अनाउंस कर दिया कि वो अकेले लड़ेगी। बातचीत करने का भी तो कोई आधार होता है ना। अगर मान लो को पार्टी का प्रेसिडेंट घोषित कर दे कि हम लोग मिलजुल कर भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे, तो फिर तो आदमी भेजा जा सकता है। राजनीति में सब संभव है ना। हाँ संभव है, मगर ऐसा संकेत भी तो हो। संकेत भी नहीं है, संकेत होते हैं ना। अकेले लड़ेंगे बहुत बार कैसे होता है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता अकेले लड़ेंगे ऐसा कहते हैं, तो पत्रकार लोग आप पूछते हो कि कोई आएगा तो क्या आप विचार करेंगे, तो कहा हाँ विचार करेंगे। जैसे बहन जी का कोई प्रस्ताव आता है हम भी विचार करेंगे। है ये नहीं कह सकते कि बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, मगर ऐसी लगभग 77 पार्टियां हैं, उन्होंने तीसरा मोर्चा गठित करने का स्वागत किया और उसमें सहभागी होने के लिए इच्छा जताई है। और उसी के संदर्भ में आज ये दूसरी मीटिंग यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बुलाई गई थी। अभी नवंबर माह में और तीसरी मीटिंग बुलाई जाएगी और चौथी मीटिंग में इसका मुकम्मल ढांचा दिसंबर माह में घोषित हो जाएगा, ताकि 2023-23 में ये गठबंधन का एक आकार और स्वरूप जो है वो खुलकर सामने आ जाए, ताकि 24 में हम लोग सारे देश भर में इसके नाम पर बड़ी रैलियां करना चाहते हैं, प्रदेश लेवल की रैलियां करना चाहते हैं, लाखों की रैलियां करना चाहते हैं और इसको संगठित रूप से ये सारा कार्यक्रम हम करेंगे। इसके साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर भी इसके द्वारा ये लड़ाई आने वाले समय में लड़ी जाएगी, क्योंकि ईवीएम जो है ये निश्चित रूप से एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इस वजह से ईवीएम का भी मुद्दा अभी 26 नवंबर को बड़ी रैली जो है दिल्ली में की जा रही है चुनाव आयोग के विरोध में। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी बार जो मीटिंग हुई उसमें कई रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, और एक बड़ा प्रस्ताव ये है कि ये जो बहुत सारे नए दल हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उसको शामिल करवाने के लिए सहमति बनाई गई है। इसके साथ साथ सारे देश भर में रैलियां करने के बारे में भी सहमति हुई है। इसके साथ साथ हम लोग ईवीएम के मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, और ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमने रेजोल्यूशन पास किया है। इस संबंध में अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछिए, और तमाम हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक स्तर के जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं स्टेज पर भी, वो इसका जवाब देंगे। तो एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक कितनी पार्टियाँ कितनी आ गई हैं? अभी तक लिखित रूप से और फिजिकली 77 पार्टी के लोगों की इसमें सहमति है। तीसरा मोर्चा बनाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है और यूपीए जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन हमारी समस्याएं जो है खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि संविधान में हम जिन लोगों की बात करते हैं उन लोगों को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो उनकी संख्या 85% है। अगर उनकी 85% संख्या है तो हम लोग कितने देर तक पिछलग्गू बने रहे, चाहे एनडीए के रहे चाहे इंडिया के रहे, ये हम लोग किस पिछलग्गू ही बने रहे। क्या हमारे लोग जो है पहल करके क्या नेतृत्व करने लायक नहीं है देश का, सरकार चलाने के लिए? ये एक सोच सेंटर में ये सोच है, इस सोच को आधार बनाकर ये प्रयास किया जा रहा है। अभी जैसे यहाँ मीटिंग हुई वैसे आने वाले समय में 25 राज्यों में स्टेट लेवल की मीटिंगें होगी, ताकि स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे और दल है उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। हमारी जानकारी में 7-8 दल जो है ये राज्यों में है, लगभग ऐसी जानकारी, 7-8 दल हैं। अगर 8 दल मान ले और 25 राज्यों में 8 दल मान लो तो ये तो लगभग 200 पार्टियां हो जाएगी।
चाहे छोटी छोटी पार्टियां हों, मगर ये 200 पार्टियां अगर इकट्ठा होगी तो इसका सिग्निफिकेंट असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। और हम लोग ये सारे लोग मिलकर मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये वोटर है या नहीं है तो रिजल्ट, ये तो रिजल्ट पे पता चलेगा, बराबर है आपका सवाल, मगर हमारे पास वोटर है या नहीं है ये तो चुनाव में पता चलेगा। वोटर नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी भी आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, जाते जमीन का कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलवाएंगे, वो उसके बदले में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको हम गिनती कर लेंगे, इसके बदले में आप हमें प्रधानमंत्री बनाओ, यहाँ हमको ऑब्जेक्शन। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे ना, 52% लोगों की गिनती करेंगे और 52% का ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये नहीं कह रहे, केवल गिनती करेंगे, बोल अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब गिनती करेंगे, 75 साल के बाद भी गिनती ही करेंगे। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है आपको? अब राहुल गांधी पे विश्वास रखना ना रखना ये बहुत बड़ा इशू है, नहीं ये नेशनल इशू नहीं है। अगर कांग्रेस बंगाल में फड़के साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती तो क्या चुनाव नहीं लड़ोगे? तो फिर राहुल गांधी को पूछ लो, कंफर्म कर लो। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना लिया, अभी तक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे कागज में। अगर ऐसा होता तो क्या? अरे अगर होता तो नहीं होता, ये तो जरतर वाली बात है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो आने दो न। खरगे साहब के अध्यक्ष होने से कागज में रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, बनाने बनाने की तो छोड़ दो, अरे कागज में रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है कि खरगे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, इतना भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे। हाँ तो 10 साल का कोटा पूरा नहीं हुआ है, 10 साल का कोटा पूरा नहीं हुआ, दूसरे लोगों का मौका नहीं है। वो तो व्यापक गठबंधन करने के दिशा में वो ये सोचते हैं कि हम लोग सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वो तो स्वाभाविक है। देखो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो छोटे छोटे दलों का हम लोग प्रयास तीसरा मोर्चा कर रहे, वो कोशिश कर रहे कि तीसरे मोर्चे के लोग भी साथ में आए। अखिलेश यादव नाराज हो गए गठबंधन से, क्या उनसे बात हुई? इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं वो आज। वो कांग्रेस से नाराज है, इंडिया गठबंधन में। हाँ अभी तो अनाउंस नहीं किया उन्होंने बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनको मालूम है बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। और झगड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, यूपी में बाहर क्यों जाएंगे? अरे राजनीति में यूपी में बाहर क्यों जाएंगे? चंद्रशेखर रावण की बातचीत चल रही है आपको? राम रावण की लड़ाई काय के लिए खड़ी कर रहे हो? काम खराब है, बात। हाँ तो नागपुर में तो उन लोगों के साथ वार्ता हो गई है, आपने सोशल मीडिया में खबर नहीं पड़ी? ये जो राष्ट्रीय युवा प्रेसिडेंट है, बात पर बात हुई कि नहीं? चंद्रशेखर के साथ बाकायदा 3 घंटा बात हुई और वो राजी हो गए, आपको खबर नहीं है? अरे सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सर ये तो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने क्या भूमिका रही? नहीं इसमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने संगठित रूप से कोई स्टैंड नहीं लिया है, संगठित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए। अभी स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, अगर इससे संबंधित पार्टियाँ कोई चुनाव लड़ रही है तो उन लोगों को हम कहेंगे आप स्टेट लेवल पर जो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन मोर्चा में आप सहभागी है, आप मिलकर लड़िए। जैसे अभी इन्होंने हरियाणा का रेफरेंस दिया और एक साथी ने राजस्थान का, राम कुमार चावला जी ने, और मध्य प्रदेश का दिया, तो वहाँ हम लोगों ने उनको अनाउंस कर दिया। यहाँ ठीक है, अभी एक साथी ने कहा कि 3 लोग जो साथी चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो लोग वहाँ हैं वो उनका समर्थन करेंगे। आपके बैनर पे माइनॉरिटी लिखा हुआ है, क्या आपके बैनर पे माइनॉरिटी लिखा हुआ है? हाँ माइनॉरिटी आपके स्टेज पे आपके जो है गठबंधन में माइनॉरिटी पार्टी है? हाँ माइनॉरिटी की पार्टी के 2 पार्टी के लोग यानी अनाउंस करके गए, 2 पार्टी के लोग जो है बैठे हैं, बैठे भी है, 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं मुस्लिम लोगों की, और 2-3 दिन में ज़्यादा नहीं चला वो मतलब
पैसे वाला लेन देन वाला जो मामला है वो तो फिर दूसरी पार्टी के लोग पैसे के लेन देन टिकटों को बेच करके, अगर मान लो टिकट बेच करके अगर पैसे इकट्ठा करने की बातें हैं, अगर यहाँ भी ऐसे ही चलते रहे तो फिर नया प्रपोजल या नया प्रस्ताव लेकर के काम करने की ज़रूरत क्या है? अगर वही पुराना ढर्रा चलाता रहे तो फिर क्या मतलब है? हम इधर टिकटों को बेचने के एजेंडे में काम नहीं करें। जो समाज की लड़ाई लड़ने वाला कमज़ोर आदमी है तो उसको मजबूती देंगे गठबंधन से। सर, इतने बड़े अलायंस हैं, गठबंधन है देश में, उनका मुकाबला कैसे करोगे आप लोग? उनके पास संसाधन है, सब कुछ है, मीडिया भी आप कहते हैं उनके पास, कैसे आप मुकाबला करेंगे? संसाधनों वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे। ये समाज में हम लोग संसाधनों वालों को चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधनों वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास भी 50 लाख और 1 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले लोग हैं। ज़्यादा हुआ क्या? अरे इसलिए बोल रहा हूँ, इतने हैं। सर, 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो वोट मांगे जाएंगे बड़े पैमाने पर। क्या बोल रहे हैं? मंदिर बन जाएगा 2024 में, वोट मांगे जाएंगे बड़े पैमाने पर। मंदिर के नाम पर जी। यकीन है उनको मंदिर के नाम पर दोबारा लोग वोट देंगे? बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक तो बन गया। 22 तारीख डेट अनाउंस कर दी है। मेरा क्या कहना है कि क्या आरएसएस भाजपा को यकीन है कि दोबारा मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा? है यकीन उनको? वो ऐसे यकीन की बात नहीं कर रहे हैं कि मंदिर बनाने के नाम पर वोट मिलने वाला है। अगर ऐसा होता तो महिलाओं का आरक्षण का मुद्दा क्यों उठाते हैं? केवल मंदिर का ही मामला खड़ा करते। यकीन नहीं है उनको कि मंदिर के ही नाम पर वोट मिलेगा।